Hi all, welcome to EVS Pedagogy class. This is Neelam and हम EVS Pedagogy में हम already एक topic कर चुके हैं, that is the concept and objectives of EVS. Okay, so हमारा ये आज का topic रहेगा scope of EVS. तो scope of EVS जैसे कि मैंने आपको बताया था environment studies, तो उसका scope क्या है, उसको study करने से पहले हम main जो उसका structure और element है उसके बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं. So element and structure of EVS में क्या है, उसके जो उसका जो ढांचा है या उसके जो elements हैं उनको दो part में रखा गया है, that is physical and biological. फिजिकल और बायोलॉजिकल जो एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम फिजिकल पार्ट को देखते हैं तो फिजिकल पार्ट में जो भी सॉलिड लिक्विड एंड गैस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई उसको हम लेते हैं इसके फिजिकल पार्ट में, और जो बायोलॉजी से जुड़ी हुई बायोलॉजिकल से बायोलॉजिकल थिंग्स जो हैं वो हमारे इस पार्ट में या इस एलिमेंट में आएंगी. ठीक है, तो मेनली स्ट्रक्चर को दो पार्ट में रखा गया है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल. फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड मींस लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर का मतलब है अर्थ. ओके, लिथोस्फीयर का मतलब जो है वो अर्थ से है, और अर्थ जो है उस पर क्या है, हमारे रॉक्स हैं, सॉयल है और मिनरल्स हैं. तो जहाँ पर भी रॉक्स की, सॉयल्स की और मिनरल्स की या अर्थ की बात होती है तो मींस हम ईवीएस के फिजिकल एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं, और उसके कौन से पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, सॉलिड पार्ट को स्टडी कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये है. तो अगर हमें सिंपल से बात ये है कि कहीं पे भी ये चीज़ों की बात होती है, और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये कौन से एलिमेंट से रिलेटेड हैं, ईवीएस के कौन से एलिमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे बिलोंग्स टू अर्थ, एंड अर्थ मींस लिथोस्फीयर, एंड इट इज़ अ सॉलिड. ओके, एंड सॉलिड कम्स इन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ईवीएस, और इट इज़ अ फिजिकल एलिमेंट ऑफ ईवीएस. अगर बात हो रही है लिक्विड की, ओके, तो लिक्विड में हमारा लिक्विड का मीनिंग हाइड्रोस्फीयर. अगर हाइड्रोस्फीयर है, लिक्विड है, तो सेम थिंग है. तो हाइड्रोस्फीयर में हमारी वाटर बॉडीज आएंगी, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर हैं, लेक्स हैं, सी है, ओशन है. ठीक है, गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस है द एटमॉस्फीयर. एटमॉस्फीयर में क्या है, एयर है. तो जो भी स्पेस है, स्पेस में भी एयर है. तो अगर स्पेस की बात हो रही है, एयर की बात हो रही है, एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, तो इट मीन्स गैस पार्ट की बात हो रही है, एंड गैस पार्ट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द फिजिकल एलिमेंट ऑफ ईवीएस. तो ये मतलब है इसको समझाने का मेरा. अगर हम बायोलॉजिकल पार्ट की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल एलिमेंट में इसके हमारे प्लांट्स और एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमंस बीइंग, ऑल ये सब चीज़ें आएंगी. प्लांट्स को हम फ्लोरल एनवायरनमेंट कहेंगे, जो फ्लोरल एनवायरनमेंट का मतलब है कि जहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है. ठीक है, फॉनल जो है ये, दिस इज़ नॉट टी, दिस इज़ एल. ओके, तो फॉनल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, मीन्स एनिमल्स की बात हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है. दे ऑल बिलोंग्स टू द बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ द ईवीएस. ओके, और दे ऑल आर बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ ईवीएस. नेक्स्ट हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ ईवीएस. तो थ्री टाइप्स के हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ ईवीएस, या हम ये कह सकते हैं कि ईवीएस में कौन से तीन टाइप्स को जो है मेनली डिस्कस किया गया है. वह फर्स्ट है हमारा नेचुरल और फिजिकल पार्ट, सेकंड है हमारा सोशल, एंड थर्ड है हमारा कल्चरल, जिसमें हम साइकोलॉजिकल भी कहते हैं. ओके, साइकोलॉजिकल पार्ट कहते हैं. तो नेचुरल फिजिकल पार्ट में हम क्या करेंगे, ये पार्ट, दिस पार्ट इज़ रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल क्लाइमेट एंड वेदर. ओके, तो जहाँ पे भी ज्योग्राफिकल क्लाइमेट वेदर की बात हो रही है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रहता है, तो दैट इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ द ईवीएस और नेचुरल पार्ट ऑफ द ईवीएस. तो ये पार्ट जो है किस तरह से ह्यूमन पर्सनैलिटी, तीनों पार्ट जो है वो ह्यूमन की पर्सनैलिटी को या एक किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं. तो अगर हम नेचुरल और फिजिकल पार्ट की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन रेसेस जो है इससे इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, उनका फिजिक इन्फ्लुएंस होता है, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी. इसको और सिंपल वे में अगर मैं कहूँगी, जैसे हम ये कह सकते हैं कि कुछ कंट्रीज़ जो है तो होती हैं, वहाँ की जो ह्यूमन बीइंग है वो दे आर वाइट, और सम कंट्रीज़ दे आर ब्लैक. इन सम कंट्रीज़ दे आर ब्लैक, इन सम कंट्रीज़ दे आर वाइट. ओके, और इन द सेम कंट्री ऑल्सो वी कैन फाइंड दैट द वाइट एंड ब्लैक पीपल आर इन सम रीजन्स और इन सम स्टेट्स. तो कुछ एक अगर हम साउथ इंडिया की बात करेंगे और नॉर्थ इंडिया को कंपेयर करेंगे तो कॉम्प्लेक्शन में जो है वो डिफरेंस होता है.
So this all is due to the geographical climate and weather, okay? Or this all belongs to the natural environment or physical environment, okay? तो ये concept आपको पता होना चाहिए. Physics की हम बात कर सकते हैं, कुछ एक regions के लोग जो हैं या कुछ एक area के लोग जो हैं, they are taller, they means मोटा है, पतले हैं, लंबे होते हैं. कुछ एक एरिया के लोग जो हैं वो ज़्यादा बड़ी हाइट के नहीं होते हैं. अगर इसमें हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट एरियाज़ को, रीजन्स को कंपेयर कर सकते हैं. वर्किंग एफिशिएंसी अगर हम उनकी देखेंगे वो भी डिफरेंट होती है. कुछ फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी लो होती है, लेजीपन ज़्यादा होता है. तो ये सारी चीज़ें जो है, इट ऑल बिलोंग्स टू द क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया वेयर दैट इंडिविजुअल लिव्स. ओके, तो ये हो गया हमारा नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट. देन अगर हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो सोशल एनवायरनमेंट में जो है जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी हैं, सोसाइटीज़, कमेटीज़, और हर तरह का जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं हमारी, ये सारे जो हैं एलिमेंट्स जो हैं हमारे सोशल पार्ट को बिलोंग करते हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है. अगर हम कल्चरल पार्ट की बात करेंगे, तो कल्चरल पार्ट में जो है ये हमें इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी को समझने में हेल्प करता है. उनके रिचुअल्स क्या हैं, उनके कस्टम्स क्या हैं, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, और उनके जो बिहेवियरल क्वालिटीज़, जो साइंस हैं उनके, तो वो एपिटोम्स जिनको हम सिंगल वर्ड में कह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें समझनी है, दे ऑल बिलोंग्स टू द कल्चरल और साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट. ओके, तो इस तरह से हमने एनवायरनमेंट को तीन पार्ट्स में रखा है, फिजिकल, सोशल और कल्चरल. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल का मतलब क्या है, सोशल का मतलब क्या है यहाँ पे, और कल्चरल का मतलब. बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये. अब लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, इसका स्कोप ऑफ ईवीएस. और इसके सोशल पार्ट में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है, सोशल इश्यूज़ हैं, जो भी किसी ग्रुप, कम्युनिटी, सोसाइटी, कमेटी से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हमारी सोशल पार्ट में आएंगी. ओके, स्कोप की जो बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो ईवीएस का स्कोप है, फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज. तो ईवीएस के नॉलेज से हमें ये आइडिया हो जाता है कि हाउ वी हैव टू प्रिजर्व एंड हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज. और नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे वाटर रिसोर्सेज, सॉयल से रिलेटेड, फॉरेस्ट, देन मिनरल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको किस तरह से यूज़ करना है, इनका कितना यूज़ करना है, कैसे इनको प्रिजर्व करके रखना है, कैसे को प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमें, सारी चीज़ें जो है वो ईवीएस के स्कोप से रिलेटेड हैं. देन अवेयरनेस अबाउट वेरियस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन. किसी भी रीजन, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र जो एरिया होता है, वहाँ के जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में अवेयरनेस होना जो है, ये भी ईवीएस का एक स्कोप है. नेक्स्ट है, टू नो अबाउट द रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द डेंजर्स टू द स्पीसीज इन द एनवायरमेंट. तो बायोडाइवर्सिटीज़ की जो रिचनेस है, जो उसकी इम्पॉर्टेंस है, उसके बारे में ज्ञान होना, ठीक है, और जो स्पीसीज़ एनवायरनमेंट को बिलोंग करती है, उनको किस तरह का खतरा हो सकता है, उसके बारे में नॉलेज होना, ठीक है. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया हमारे जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स लाइफ हैं, उनको किस तरह से खतरे से बचाना है, ठीक है. तो उनको प्रिजर्व करने के लिए द बेस्ट वे है कि उनके जो हैबिटेट्स हैं, नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं, जहाँ पे वो लोग रह, वो स्पीसीज रहती हैं, जहाँ पे वो ग्रो करती हैं, ठीक है, और तो उनको सेफ रखना, उनको बचाना जो है डायरेक्टली जो है वो बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने से रिलेटेड है. देन स्टडीज़ अबाउट वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड देयर प्रोटेक्शंस. अबाउट वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना मीन्स वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी स्टडीज़ और उसके उनकी प्रोटेक्शन, ठीक है. देन नेक्स्ट है, टू अंडरस्टैंड द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर्स. तो नेचुरल डिजास्टर्स के क्या कारण हैं, किस तरह से वो क्रिएट होते हैं, ठीक है, और किस तरह से उनसे बचा जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें, जैसे कि हम फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक हैं, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं, साइक्लोन्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, ठीक है. तो इन सभी के बारे में, इनके कारण, इनके मीन्स ये किस तरह से ये डिजास्टर जो क्रिएट हो रहे हैं, उनके कारणों को जानना और उनके कारण जो होने वाली मीन्स उन डिजास्टर्स के बाद जो भी हमें
सहना पड़ता है, ठीक है, एक तरह से हमें किस तरह से उन चीज़ों से निपटना है, वो सारी चीज़ें जो हैं हमें सीखने को मिलती हैं। देन कॉजेज़ ऑफ पॉल्यूशंस एंड मेजर्स टू मिनिमाइज द इफ़ेक्ट, डिफरेंट टाइप्स के जो पॉल्यूशंस हैं उनके क्या कारण हैं, किस तरह से वो क्रिएट हो रहे हैं, उनको कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है, उनको किस तरह से रोका जा सकता है, उसके बारे में पता चलता है हमें। देन पॉलिसीज़ एंड लॉज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितनी भी पॉलिसीज़ और लॉज हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होता है, उनके बारे में ज्ञान लेना। देन और पॉलिसीज़ और लॉज के बारे में एक रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लास्ट में पूछा है कि ये भी एक हमारा एक पॉलिसी है, एक लॉ है जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी पॉलिसीज़ और लॉज जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं उनका नॉलेज हमें ईवीएस के स्कोप से जुड़ा हुआ है। देन सोशल इश्यूज़ हैं, ठीक है, उन इश्यूज़ के बारे में जानना, उनको उनसे कैसे निपटना है, उनको कैसे सॉल्व करना है, प्रिजर्वेशन हर चीज़ की, ठीक है, जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको उनसे प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना और उनको फर्दर डेवलप करना या उनमें इम्प्रूवमेंट लाना, ये सारी चीज़ें जो हैं दे ऑल बिलोंग्स टू द स्कोप ऑफ EVS, ओके? तो EVS स्टडीज़ जो है हमें ये सब चीज़ों का जो है एक इन सब चीज़ों को समझने के, इन सब चीज़ों से निपटने के योग्य बनाती है हमें, ओके? तो ये हो गया, अब लेते हैं एक क्वेश्चन। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स हैव अ राइट टू द फॉरेस्ट लैंड एंड वट इज़ ग्रोन ऑन इट, दिस इज़ मैंडेटेड बाय, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2016 में कि ये एक राइट right है, ये एक पॉलिसी है एनवायरमेंट से जुड़ी हुई जिसका ह्यूमन बींग को पता होना चाहिए कि अगर कोई ह्यूमन बींग जो है, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड पर जो है 25 ईयर्स तक रह रहा है तो उसको ये राइट right है कि वो उस लैंड का मीन्स उस लैंड के ऊपर उसका अधिकार है और उस पर जो भी चीज़ें उस पर उगाई गई हैं, उसने जो भी उस पर चाहे कोई गार्डनिंग की है, चाहे उसने कुछ भी है, जो भी क्रॉप्स या कुछ भी उन्होंने जो ग्रो किया है उसके ऊपर उसका पूरा अधिकार होता है। तो ये जो है पॉलिसी और ये जो राइट है, दिस इज़ मैंडेटेड बाय द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही लेते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको बस एक बार समझने की ज़रूरत है, माइंड में बिठा लीजिए कि ये चीज़ें हैं, बहुत ही इजी हो जाता है उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर को देना, क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर है देन यू कैन गिव ईच एंड एवरी टाइप ऑफ आंसर्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक।